मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में कौम आबाद हुई जिसको मदियन कहा जाता है। बहुत से मुफस्सरीन ने यह बात लिखी है कि मदियन असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में कोई शख्स गुजरा है, वो कबीले का सरदार था तो उसी के नाम पे पूरी कौम आबाद हुई है। तो उसकी तरफ अल्लाह ने उन्हीं के एक फ़र्द को शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। अच्छा, कुरान में एक और जगह ये आता है कि अल्लाह ने शुएब अलैहिस्सलाम को अस्हाब अईका की तरफ भी भेजा है, अस्हाब अईका। अब मुफस्सरीन की दो राय हैं। बाज ने कहा कि ये अस्हाब मदियन ही का दूसरा नाम था अस्हाब अईका, और बाज ने कहा कि नहीं, ये भी अस्हाब मदियन के करीब कोई इलाका था, कोई शहर था, वहाँ ये अईका वाली कौम आबाद थी। और दोनों में सेम जुर्म ये था कि शिर्क के साथ साथ नाप तोल में कमी, यानी नाप तोल में डंडी मारना और लोगों को उनका अधूरा हक देना, अपना पूरा हक वसूल करना। ये चूँकि दोनों कौमें करीब करीब थी तो इसलिए दोनों में ये जुर्म था। तो अल्लाह ने शुएब अलैहिस्सलाम को दोनों कौमों की तरफ भेजा। तो दोनों कौल हैं, एक ही कौम भी हो सकती है, दोनों कौमें भी हो सकती हैं। फिर इन दोनों कौमों पे जो अजाब आए हैं, तो इन तीन तरह के अजाब कुरान जिक्र करता है। कहीं जिक्र करता है उनको रजफा ने पकड़ा, रजफा कहते हैं कपकपाहट, जिससे लगता है जलजला आया था। कहीं आता है कि अखदत हम सैहा, एक ज़ोरदार चीख ने उनको पकड़ा, यानी फरिश्ते ने चीख मारी। और कहीं आता है कि अजाबु यौमी ज़ुल्ला, ज़ुल्ला साहिबान को कहते हैं, बादलों का साहिबान आ गया, एक बादल साया बन के आया, उससे फिर पत्थर बरसे या आग बरसी। तो ये तीनों अजाब का तस्किरा है। अब अगर ये दो अलग अलग कौमें हैं तो रजफा जो कपकपाहट वाला अजाब था उसकी वजह तो फरिश्ते की चीख बन सकती है कि फरिश्ते ने ज़ोर से चीखा जिससे पूरी ज़मीन हिल गई और वो कौम तबाह बर्बाद हो गई। और ज़ुल्ला जो साइबान वाला अजाब आया वो असहाब अईका पर आया कि शदीद गर्मी में वो लोग मुब्तला हुए और इंतज़ार कर रहे थे बारिश हो बारिश हो, तो बारिश से पहले क्या हुआ कि एक साइबान आया, बादल आया, तो सारे उसके गिर जमा हो गए क्योंकि बहुत शदीद सर्दी गर्मी से परेशान थे। तो बजाय उस बादल से रहमत की बारिश बरसे उससे आग बरसना शुरू हो गई या पत्थर बरसना शुरू हो गए। अल्लाह ताला हम सबको अजाबों से महफूज रखे। और या फिर यह है कि ये दोनों अगर एक ही कौम है तो ये तीनों अजाब आए। इसमें कोई बईद नहीं है कि जलजला भी आया, फरिश्ते की चीख से जलजला आया हो और आसमान से पत्थर बरसना भी शुरू हो गए हो। तो अल्लाह फरमाते हैं वइला मदियना अखाहुम शुएबा, मदियन की तरफ हमने उनके भाई यानी उनकी कौम के फर्द शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। قال يا قوم اعبدوا الله, شعيب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس اللہ کے سوا۔ ظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اصحاب ایکا جو ہے نا یہ الگ قوم تھی اور مدین الگ قوم تھی, لیکن چونکہ دونوں قومیں قریب قریب ان کے شہر آباد تھے تو اور یہ برائی وہاں بھی جا چکی تھی ناپ تول میں کمی کی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن کا اگر ہم دیکھتے ہیں دونوں قوموں پہ الگ الگ عذاب آئے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, وہ دلیل کیا ہے؟ کوئی معجزہ ہوگا جو اللہ نے شعیب علیہ السلام کو دیا ہوگا۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, لہذا کیل میں اور میزان ترازو میں اور ناپ تول میں پورا پورا کیا کرو, اس میں لوگوں سے دھوکہ نہ کیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور لوگوں کے مال میں کمی نہ کرو۔ جب لوگوں کو مال دینے کا ٹائم آتا ہے اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو, پورا حق دیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, اور جب زمین میں اصلاح ہو چکی ہے تو فساد نہ پھیلاؤ۔ یعنی پچھلے پیغمبر دنیا میں آئے, انہوں نے زمین میں اصلاح کا کام کیا اور ایک معاشرے میں سدھار پیدا ہو گیا, لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ اب تم ایک نئی بدعت لا کے ڈنڈی مارنا, یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس قوم میں یہ برائی نہیں تھی۔ ہر آدمی لوگوں کو پورا پورا حق دیا کرتا تھا, جیسے لوط علیہ السلام کی قوم میں
जो लड़कों से बदफेली की बीमारी थी वो उनके आबाओ अजदाद में नहीं थी। तो इसी तरह इससे ये पता चल रहा है कि ज़मीन में जब इसलाह हो चुकी है, लोग एक दूसरे के हकूक अदा कर रहे हैं, तो तुम ज़मीन में एक नए जुर्म को प्रोमोट करके फसाद क्यों फैला रहे हो? क्योंकि लोग ना एक दूसरे से जुर्म सीखते हैं। एक आदमी डंडी मार रहा है, दूसरा उसको देख के वो भी इसी तरह बन जाता है। एक आदमी तिजारत में झूठ बोल रहा है, दूसरे ताजर उसको देख के वो भी झूठ सीख लेते हैं। तो जब मुआशरे में झूठ नहीं राय जाए और लोग एक दूसरे के हकूक अदा कर रहे हैं, मुआशरे का सुधार हो चुका है, तो तुम उसको ख़राब करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी नाप तोल में कमी ना करना और मुआशरे में फसाद ना फैलाना, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। बेहतर यानी दुनिया के लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से भी। आखिरत के लिहाज से तो बेहतर है ही, सब जानते हैं इस पे अजर मिलेगा। दुनिया के लिहाज से इसलिए बेहतर है कि तुम तिजारत में दो नंबरी करके वक्ती फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन जाहिर है लोगों को तुम पर एतमाद ख़त्म होगा और नतीजे के लिहाज से तुम्हारा बिज़नेस, तुम्हारी तिजारतें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो दुनिया और आखिरत के लिहाज से बेहतरी इसी में है कि ईमानदारी के साथ लोगों के साथ कारोबार किया करो। वला तक़ऊदू बिकुल्ली सिरातिन, और हर तरह के रास्तों पे मत बैठा करो। तुईदूना, लोगों को डराने के लिए। वतसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हो। मन आमना बिही, जो अल्लाह के रास्ते पर ईमान ले आया। तो जो लोग भी शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए थे ना, तो ये औबाश लोग सड़कों पे बैठ जाते थे, हर गुजरते हुए आदमी को पूछते कि तू कहीं ईमान तो नहीं ले आया शुएब पर? वो कहता ले आया, तो उसको डराते भी थे हम नुकसान पहुंचाएंगे, और फिर डराने के साथ साथ उसमें ऐब तलाश करते अल्लाह के रास्ते में, यानी शुएब अलैहिस्सलाम की तालीमात में कजी तलाश करते। एक होता है आपको किसी मज़हब पर कोई वाकई एतराज़ हो, वो तो हो सकता है उसका, जैसे सहाबा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात पूछा करते थे, इश्कालात पूछा करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते। आज भी लोग उलमा से एतराज़ात के बारे में पूछते हैं कि भई ये कुरान की तालीमात हैं, इस पे तो ये इश्काल होता है, तो उलमा जवाब देते हैं जी इसका ये जवाब है। तो अल्लाह के रास्ते में कोई इश्कालात हो रहे हों किसी को, उन इश्कालात को क्लियर करना, ये तो कोई गलत नहीं है, बल्कि ये तो इल्म सीखने का एक ज़रिया है। लेकिन एक होता है खोद कुरेद कर करके सोच सोच के ऐप तलाश करना, यानी आपका मिशन ही यही हो कि आपने सीधे रास्ते को गलत करार देना है, और इसके लिए अब आप हर चीज़ में कजी तलाश करने में लगे हो। इससे क्या होता है, जब आप तकल्लुफ़ कर करके ऐप तलाश करते हैं, तो अच्छी चीज़ भी आपको गलत मालूम होने लगती है। कहते हैं ना, अगर आप किसी के पीछे पड़ जाएँ तो अच्छे भले आदमी को रुसवा कर सकते हैं आप, उसकी हर अच्छी बात में गलत मतलब निकाल लेंगे। और अगर आप अकीदत का अंधा चश्मा लगा लें, यानी सॉरी अंधी अकीदत का आप चश्मा लगा लें, और उसका नुकसान क्या होता है कि आपको हर अच्छाई में भी हर बुराई में भी अच्छाई नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों इफरात और तफरीत से हट कर चीज़ें। इसलिए कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह के रास्ते में खोद कुरेद कर करके ऐप तलाश मत करो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल एथियस्ट और इस्लाम मोतरिजीन कर रहे होते हैं कि खाम खामे खींचा तानी कर करके ना। कुछ दिन पहले एक मुलहिद की मैं बात सुन रहा था, उसने कहा कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पेश की उसने, कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, क्या मोमिन जन्नत में दाखिल होगा? आपने फ़रमाया हाँ होगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगरचे वो ज़िना करे, चोरी करे, फिर भी दाखिल होगा? आपने फ़रमाया हाँ, फिर भी दाखिल होगा। फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने दोबारा पूछा, या रसूलल्लाह, वइन ज़ना वइन सरक, चोरी करे ज़िना करे फिर भी? आपने फ़रमाया हाँ, चोरी करे ज़िना करे फिर भी। तीसरी दफ़ा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने पूछा, आपने फ़रमाया हाँ फिर भी। वइन रग़िबा अन्फु अबी ज़र, अगरचे अबू ज़र की नाक खाक आलूदा हो जाए। तो मुल्हिदीन ने क्या किया, ये हदीस हाईलाइट की और कहा कि देखो, मुसलमानों के हाँ तो ज़िना करो चोरी करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जन्नत बहरहाल मिल के रहेगी, तो करते रहो ज़िना, करते रहो चोरी, ये है इस्लाम, इस तरह का ना प्रोपेगंडा। तो हालांकि इस हदीस को आप दूसरी हदीसों से मिलाएं, खुद अबू ज़र ग़िफ़ारी के अमल से मिलाएं, क्या ये हदीस सुनने के बाद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने खुद कभी माज़ अल्लाह ज़िना किया, क्या कभी चोरी की? तो इस हदीस में तो ये बयान किया जा रहा है कि ज़िना करे या चोरी करे तो सज़ा उसको मिलेगी, दूसरी हदीसों में वजाहत के साथ ये मज़मून है, लेकिन ये जुर्म ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से वो हमेशा जहन्नम की आग में जले,
हमेशा जहन्नम में सिर्फ वो जलेगा जो खुदा का मुनकिर है, खुदा का मुशरिक है, अल्लाह के साथ शिर्क करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम जिना को प्रोमोट कर रहा है और चोरी को प्रोमोट कर रहा है। तो क्या इन मोतरिजीन ने, इतराज करने वालों ने कुरान की वो आयतें नहीं पढ़ी हैं जिसमें आता है कि जो चोरी करे उसका हाथ काट डालो, जो जिना करे उसको 100 कोड़े मारो चौक में? तो इतनी वाज़े बात है कि इस्लाम जिना को पसंद नहीं करता। ला तक़रबुज़ ज़िना, कुरान कह रहा है कि जिना के करीब ही मत फटको। तो किसी की बात का वो मतलब लिया जाएगा ना जो वो खुद चाहता है कि मेरी बात का ये मफहूम मुराद लिया जाए। तो ये है कजी तलाश करना कि आप एक सही मतलब निकाल सकते थे और उस मतलब की दलील भी है, लेकिन आप उस सही मतलब को छोड़कर आप अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं किसी के खिलाफ और जान जान कर उसके गलत मफहूम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो ये काम हर उम्मत में हुआ है कि जो भी अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले लोग थे वो उसमें ऐब तलाश करने में लगे रहते थे। ये काम शुएब अलैहिस्सलाम की कौम भी करती थी कि वतसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिही वतबगूनहा इवजा, कि तुम अल्लाह के रास्ते से उन लोगों को रोकते हो जो ईमान ले आए और सीधे रास्ते में ऐब तलाश करते हो। वज़कुरु इज़ कुंतुम क़लीलन, उस वक्त को भी याद करो जब तुम थोड़े थे। फकसरकुम, अल्लाह ने तुम्हें बढ़ा दिया, यानी तुम्हारी आबादी कम थी, अल्लाह ने तुम्हें खूब औलादें दी जिसकी वजह से तुम्हारी नस्ल बढ़ गई, तुम्हारी आबादी ज़्यादा हो गई। तो ये भी अल्लाह की एक नेमत है कि किसी कौम को अल्लाह ज़्यादा औलाद दें और वो कौम सियासी सतह पे मजबूत हो जाए, अस्करी लिहाज से मजबूत हो जाए। तो शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, पहले ये लोग बहुत थोड़े थे, नस्ल इनकी बहुत तेज़ी से बढ़ी है जिसकी वजह से ये कौम बहुत ताकतवर हो गई। जब ताकतवर हो गई तो इनमें कारोबार भी बढ़ा, माली लिहाज से भी मालदार हो गए ये, और फिर अस्करी लिहाज से मजबूत हो गए। तो ये अल्लाह की नेमत है। वनज़ुरू, और देखो कई फ़कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, यानी अल्लाह की नेमत को याद करो। वो नेमत क्या है? अल्लाह ने तुम्हारी आबादी बढ़ा दी, और अजाब को भी याद करो। वनज़ुरू कई फ़कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, देखो फसाद वालों का अंजाम कैसा हुआ। पिछली उम्मतों के वाक़ियात तुम्हारे सामने, कौम आद के साथ क्या हुआ, कौम समूद के साथ क्या हुआ, कौम लूत के साथ क्या हुआ, ये सब वाक़ियात तुम्हें मालूम है। तो देखो फसाद मचाने वाले जो ज़मीन में थे उनका अंजाम कैसा हुआ, उनके अंजाम से इबरत हासिल करो। आगे शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुआ इनकाना ताइफतुम मिनकुम आमनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही। असल में कौम ये कहा करती थी कि ऐ शुएब, जो लोग आप पर ईमान लेकर आए हैं उन्हें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि उन्हें कोई फ़ायदा हुआ हो, और जो ईमान नहीं लाए उन्हें कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, ना कोई अजाब आ रहा है। तो ये तो इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम ईमान लेकर आएँ या ना लेकर आएँ। तो इसका जवाब शुएब अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, देखो अगर एक जमात ऐसी है जो ईमान ले आई, बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, उस तालीम पर जो मैं लेकर आया हूँ, व ताइफ़तुल लम युमिनू, और एक जमात ऐसी जो ईमान नहीं लेकर आई, तो फ़स्बिरू, तो इस बारे में सब्र करो, हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे, यानी अल्लाह अमल से फ़ैसला कर देगा। एक फ़ैसला तो अल्लाह ने अभी किया है वही के ज़रिए कि सही कौन है गलत कौन है, लेकिन उस फ़ैसले को तुम नहीं मान रहे, तो एक फ़ैसला अल्लाह प्रैक्टिकली करके दिखाएगा। वो फैसला ये होगा कि जो ईमान नहीं लाए उनको बर्बाद कर देगा और जो लाए हैं उनको बचा लेगा। तो ये अभी अगर नहीं फैसला हो रहा तो ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं होगा, अभी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, उस आजमाइश की वजह से अभी अल्लाह अजाब नहीं दे रहा, तो सब्र कर लो, वो भी आ जाएगा अजाब भी। वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। जब शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ से ये धमकी सुनी कौम के सरदारों ने और सब लोगों ने कि अल्लाह ताला ज़रूर फ़ैसला करेगा, नेक लोगों को बचाएगा, बुरों को हलाक करेगा, तो कौम के सरदारों को ख़्याल हुआ कि शायद अब जो निचले तबके के लोग हैं कहीं ऐसा ना हो कि इस धमकी के बाद वो ईमान ले आएं। तो वो कहने लगे, قال الملأ الذين استكبروا من قومه, कौम के जो बड़े लोग थे जो मुतकब्बिर थे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में, वो कहने लगे, लनुख्रिजन्नका या शुएब, हम तुझे ज़रूर बिज़रूर निकाल देंगे ऐ शुएब, वल्लदीन आमनु मअका मिन क़रियतिना, और जो लोग तेरे साथ ईमान लाए हम उन सबको अपनी बस्ती से निकाल देंगे। यानी अल्लाह का अजाब जिसका तू वादा कर रहा है ना, वो तो आए ना आए हमारी तरफ से अजाब आने वाला है। वो अजाब ये कि तुम सबको, तुम आपको भी और आपके साथ जो ईमान लाए हैं सबको हम अपनी बस्ती से निकाल देंगे। अउल तऊदुन्नफ़ी मिल्लतिना, इल्ला ये कि आप हमारी मिल्लत में वापस लौट आएँ, वही बाप दादा के दीन को फॉलो करना शुरू कर दें। ये जो लौटने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, तो शुएब अलैहिस्सलाम तो ना पहले इनकी मिल्लत में थे ना अब थे,
लेकिन आगे शुएब अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मिल्लत में वापस नहीं लौट सकता। तो ये उनके ख्याल के हिसाब से, यानी वो तो यही समझ रहे थे कि शुएब अलैहिस्सलाम पहले हमारी मिल्लत में थे, क्योंकि शुएब अलैहिस्सलाम पहले तबलीग नहीं करते थे, इससे वो ये समझ बैठे थे। वरना हकीकत यह है कि पैगंबर कभी भी बातिल मिल्लत पे नहीं होते, वो शिर्क से हमेशा महफूज रहते हैं। तो उनके लिहाज से, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा ही लगता था कि शुएब अलैहिस्सलाम पहले अपनी कौम के दीन पर थे, क्योंकि वो खामोश थे, तबलीग नहीं कर रहे थे, तो इस अमल से ऐसा लगता था। तो इसी को शुएब अलैहिस्सलाम आगे कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मिल्लत में नहीं लौटेंगे, यानी जैसे तुम ये समझते थे कि हम तुम्हारी मिल्लत में थे, तो तुम्हारे ख्याल के मुताबिक भी हम वैसा नहीं करेंगे, बल्कि हम जिस दावत पे कायम है उसी पर कायम रहेंगे। तो बड़े लोगों ने क्या धमकी दी, औ लतऊदुन नफी मिल्लतिना, हम आपको अपनी बस्ती से निकाल देंगे इल्ला ये कि आप वापस लौट आएँ। क़ाला, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अवलौ कुन्ना कारिहीन, अगरचे हम उस मिल्लत को बुरा समझें, अगरचे हम तुम्हारी मिल्लत को, तुम्हारे दीन को बुरा समझें दिल से, फिर भी हम लौट आएं, ये कैसे मुमकिन है? एक चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आ रही, ये पत्थरों के बुतों को पूछते हो, नाप तोल में कमी करते हो, ये दो नंबरियाँ करते हो, इस बात में हम कैसे लौट सकते हैं? ये तो हम बुरा समझते हैं दिल से इसको। क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कदीबा, तहकीक हमने तो झूठ बांधा अल्लाह ताला पर, इन उदना फी मिल्लतिकुम, अगर हम तुम्हारी मिल्लत में वापस लौट आएँ। झूठ बांधने का मतलब ये है कि इसका मतलब हम तो अल्लाह पे माज़ अल्लाह झूठ बोल रहे थे फिर, कि अल्लाह इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, यानी अमल से हम ये साबित कर देंगे कि हम अभी गलत हैं और हमने अल्लाह पे झूठ बांधा था, ये मतलब है। यानी ये मुमकिन नहीं, अल्लाह पे झूठ बांधना तो बहुत बड़ा जुर्म है। बाद इदन जान अल्लाह मिनहा, बाद इसके कि अल्लाह ने हमें उस मिल्लत से निजात भी दे दी हो, यानी अल्लाह के एहसान का भी तकाजा ये है कि एक दफ़ा हिदायत मिल जाए तो इंसान गुमराही की तरफ दोबारा नहीं जाता, तो ये अल्लाह की नाशुकरी भी है और अल्लाह पे झूठ बांधना भी है। तो तुम इसको सिर्फ इस हैसियत से देख रहे हो कि एक दीन छोड़कर दूसरे दीन को हम इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन इसको इस दूसरी हैसियत से देखो कि ये अमल हमारा अल्लाह पे झूठ बांधना कहलाएगा और अल्लाह की बहुत बड़ी नाशुकरी कहलाएगी, तो इसकी सज़ा हमें अल्लाह ताला देगा। वमा यकूनु लना अन नऊद फीहा, और फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बबांगे दोहली ऐलान कर दिया, वमा यकूनु लना, ये चीज़ है ही नहीं हमारे लिए। देखे, एक तो ये कहते थे ना, कह देते ना शुएब अलैहिस्सलाम, मा नऊदु फीहा, हम उस मिल्लत में लौटेंगे नहीं, इसमें ज़्यादा मुबालगा नहीं था, बल्कि शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वमा यकूनु, नहीं है हम, नहीं होगी ये बात लना, हमारे लिए, अन नऊद फीहा, कि हम उस मिल्लत में लौटें, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बात ही दिमाग से निकाल दो कि हम तुम्हारे बाप दादा के दीन की तरफ लौटें। इल्ला यशा अल्लाह रब्बुना, इल्ला ये कि हमारा रब ही चाहे, यानी खुदा अगर हमारे दिल पे माज अल्लाह मोहर लगा दे हमारे किसी गुनाह के सबब, किसी गलती के सबब, और हमारा दिल स्याह हो जाए और अल्लाह ज़बरदस्ती हमें गुमराही की तरफ घसीट ले, तो पॉसिबल है, वरना ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने इख्तियार से चले जाएं। तो ज़ाहिर है अल्लाह ऐसा करता नहीं है, ज़बरदस्ती किसी को गुमराह नहीं करता। आगे फरमाते हैं कि वसीअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, हमारा रब हर चीज़ को इहाता किए हुए इल्म के लिहाज से, वो अगर किसी को गुमराह करता है तो अल्लाह का इल्म बता रहा होता है कि ये आदमी गुमराही के काबिल है। तो अगर अल्लाह हमें इस काबिल समझेगा अपने इल्म की बेस पर कि इनको हिदायत नहीं मिलनी चाहिए, तो अल्लाह हमारे दिलों से हिदायत छीन लेगा, लेकिन अगर अल्लाह ज़बरदस्ती हमें गुमराह ना करे, तो फिर ये दिमाग से निकाल दो कि हम अपने इख्तियार से गुमराही की तरफ आएँ, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह तवक्कलना, रहा तुम्हारी धमकियों का मसला कि हम तुम्हें बस्ती से निकाल देंगे, मारेंगे, ये करेंगे, तो हम अल्लाह पर एतमाद करते हैं। रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक, लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम जब कौम की धमकी, ये देखें कुरान जो है ना वाकयात को बहुत मुख्तसर बयान करता है, पता नहीं कितने लंबे कितनी लंबा कलाम हुआ हो, कितने साल शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से उलझते रहे हो और कौम जवाब देती रही हो, लेकिन कुरान बाज़ दफ़ा सदियों के वाकयात, सालों के वाकयात को मुख्तसर तौर पर बयान करता है। तो कितना सब्र किया होगा शुएब अलैहिस्सलाम ने। बिलाखिर जब कौम इंतहा को पहुंच गई तो शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक, ए अल्लाह हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फ़ैसला कर दे। एक फ़ैसला तो वह है जो तू वही के ज़रिए कर रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन एक फ़ैसला जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्या मतलब? इसमें इशारा दे दिया कि अल्लाह तू नाफरमानों पर अज़ाब भेज दे, क्योंकि ये कौम हिदायत लाने वाली नहीं है सिवाय उन चंद लोगों के जो मेरे साथ ईमान लाए, तो अब तू फैसला कर दे।
وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام صاف لفظوں میں بددعا نہیں کر رہے اور صاف لفظوں میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آسمان سے عذاب بھیج دے، لیکن اشارہ اسی طرف تھا کہ اللہ ہم اس قوم سے تنگ آ چکے ہیں، ان کی ہٹ دھرمی ضد ہٹ سے زیادہ بڑھ چکی ہے، ہر بات کا ان کے پاس الٹا جواب موجود ہے۔ ہم کوئی دھمکی دیتے ہیں تو الٹا یہ آگے سے دھمکی دینا شروع کر دیتے ہیں اور ستانے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس میں عیب تلاش کر رہے ہیں۔ تو اب تو حقیقی فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے یہ بدعا مانگی کہ اللہ تو اب فیصلہ کر دے، تو پھر قوم کے کافروں کو ڈر یہ ہوا کہ یہ جو غریب اور ماتحت لوگ جو ابھی تک کافر ہیں، ایسا نہ ہو کہ شعیب علیہ السلام کی اس بدعا سے ڈر کے یہ ایمان لے آئیں۔ تو پھر وہ اپنی ماتحت قوم سے کیا کہنے لگے، وقال الملأ الذين كفروا من قومه، کہا سرداروں نے، وہ سردار جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں کافر تھے، وہ کیا کہنے لگے، لئن اتبعتم شعیبا، اے لوگو اگر تم نے شعیب کی اتباع کر دی، یعنی اس بدعا کو سننے کے بعد اگر تم نے شعیب کو فالو کرنا شروع کر دیا، انکم اذا لخاسرون، تو تحقیق تم اس اگر ایسا ہوا تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا ہوا تم نے اس بدعا کو سننے کے بعد، ماتحت لوگوں سے کہہ رہے ہیں، غریبوں سے، کہ تم نے شعیب کی بات مان لی نا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں، فأخذتهم الرجفة، اس قوم کو ایک کپ کپاہٹ نے، زلزلے نے پکڑ لیا، فأصبحوا في دارهم جاثمين، اور یہ سارے صبح ایسے ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے، سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، بکھری ہوئی تھیں۔ الذين كذبوا شعيبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کا انکار کیا، كأن لم يغنوا فيها، كأن کا معنی ہوتا ہے گویا کے، كأن لم يغنوا فيها، گویا کہ اس زمین میں کبھی رہے ہی نہیں۔ اتنی طاقتور قوم، اتنی کثیر آبادی والی قوم، اتنی معاشی ترقی والی قوم۔ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ تم ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو، انی اراکم بخیرن، تم سب کھاتے پیتے لوگ ہو، مالی تونگری وسعت ہے، کوئی قحط زدہ لوگ نہیں ہو کہ روٹی کو ترس رہے ہو تو کسی نے کسی سے روٹی چوری کر لی، تو اتنے خوشحال لوگ ہو، اس کے باوجود بھی تم دو نمبریاں کیوں کرتے ہو۔ تو کأن لم یغنوا فی، اللہ فرماتے ہیں ایسی پھلتی پھولتی قوم اور اتنی کثیر آبادی والی قوم، اس کی بستی کے کھنڈرات کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے یہ کبھی یہاں رہے ہی نہیں ہے، کبھی آباد ہوئے ہی نہیں ہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کا انکار کیا، کانوا ہم الخاسرین، اللہ فرماتے ہیں وہی خسارے والوں میں سے ہو گئے۔ حالانکہ وہ دھمکیاں کیا دے رہے تھے کہ اگر تم نے شعیب کو فالو کیا تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو کون ہوا، وہ ہوئے یا یہ لوگ ہوئے، تو یہی لوگ ہو گئے خسارے والوں میں سے۔ فتولی عنہم، ہر پیغمبر نے یہ کیا کہ جب بستی ہلاک ہوئی ہے تو ان کی لاشوں کی طرف سے پیٹ پھیری اور ان کو کیا خطاب کیا پیٹ پھیرنے سے پہلے، فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے پشت پھیری ہے اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالاتی ربی، وہی بات کہی جو حضرت ہود علیہ السلام نے کہی تھی، وہی بات کہی جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، اور جو بات بدر کے کنویں میں جو مشرکین مکہ کے سردار جب قتل ہو کے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی لاشوں سے اسی طرح خطاب کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی کہ جب بدر میں 70 عرب کے سردار مارے گئے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں سے خطاب کر کے کہا کہ بتاؤ کیا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تم نے سچا پایا، کیونکہ ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا، اللہ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا تھا، آج بدر میں ہم جیت گئے، اور جو تمہارا انجام جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی یہ کیا، قال یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتكم رسالات ربی، تحقیق پہنچا چکا ہوں میں۔ میں نے بتایا تھا نا، قد جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا معنی دیتا ہے، میں یہ کام کر چکا ہوں، میں نے تو پہنچا دیا ہے رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات کو، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، جو کچھ میں کر رہا تھا تمہارے فائدے کے لیے کر رہا تھا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات، فکیف آسا علی قوم کافرین، تو بتاؤ آج میں کیسے افسوس کروں ایسے کافروں پر جو خدا کے انکار کرنے والے تھے، آج میں کیسے افسوس کروں، یعنی مجھے بھی تم پہ افسوس نہیں ہو رہا ان لاشوں کو دیکھ کے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ تھا
इससे हमें क्या इबरत की बातें मिलती हैं। आज भी नाप तोल में कमी, कस्टमर को धोखा देना, डंडी मारना, झूठ बोलना, एक लोकल चीज़ है उसको बाहर का कह के फरोख करना, ये सारी की सारी बातें अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली हैं। अल्लाह के अजाब से हमें डरना चाहिए। कुरान ने इस मजमून को और भी जगह बयान किया, 30वें पारे में है ना, वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन, तबाही है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। तराजू, लोगों ने तराजू के जो वेट हैं उनमें डंडी मारी जा रही है, पेट्रोल पंप पे मीटर को आगे पीछे कर दिया जाता है, तो दफ्तरों में आप काम पूरा नहीं करते, तनख्वाहें पूरी ले रहे होते हैं, टीचर स्कूल में पढ़ाता ईमानदारी के साथ नहीं है, तनख्वाह पूरी ले रहा होता है, ये हर जगह नाप तोल में कमी चल रही है। तो बहुत देखें, नाप तोल में कमी इंसान की हक तलफी नहीं है, अल्लाह की हक तलफी है, इसलिए अजाब इस पर अल्लाह देगा और अपने हिसाब से देगा। यानी इंसानों की हक तलफी तो है लेकिन अल्लाह की भी हक तलफी है, उसने मना किया इन चीज़ों से। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया ना कि वज़अल मीज़ान, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, अल्लाह ने तराजू दुनिया में कायम क्यों किया है कि तुम इंसाफ कर सको। तो इंसाफ के तराजू का मतलब इंसाफ के पैमाने, तो अल्लाह ने बहुत बहुत किस्म के पैमाने हैं इंसाफ के जो ज़मीन में कायम किए, वो पैमाने और वो मेयारात, वो स्केल्स इसी वजह से हैं कि लोग एक दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती ना कर सकें। इसी का सूरह रहमान में वज़अल मीज़ान, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान व अकीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। तो यहाँ भी हमें जो असल सबक मिलता है, शिर्क के बुराई होने के साथ साथ नाप तोल में कमी, और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि कुछ लोगों का काम ही ये है कि अल्लाह के दीन में कजी तलाश करना, कुछ लोगों का काम होता है उलमा में ऐब तलाश करना, दीनदारों में ऐब तलाश करना, तो ऐसे लोगों से मुआशरे में होशियार रहना चाहिए। और फिर आखिर में हमें यह भी पता चला कि फ़कैफ़ आसा अला क़ौमिन काफिरीन, के जिन कौमों पर हुज्जत तमाम हो चुकी हो फिर भी वो हलाक हो जाएं, तो उन लोगों पे अफसोस भी नहीं बनता, उन पे फिर तरस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह को तरस नहीं आ रहा तो आप क्यों उस पर तरस खा रहे हैं। तो यहाँ भी यही होता है कि बड़े बड़े मुजरिमीन मरते हैं, सज़ाएँ मिलती हैं, लोग तरस खा रहे होते हैं, हाय काश ये छूट जाता तो अच्छा होता। ऐसा नहीं है, ये इंसानियत के साथ रहम का तकाजा नहीं है। इंसानियत के साथ रहम का तकाजा ये है कि वो लोग जिनके दिलों पर मोहर लग चुकी है, जिनमें हिदायत का मादा ही ख़त्म हो चुका है, उन लोगों को ज़मीन पे रहने का हक नहीं है। उनको अगर खुदा की तरफ से कोई अजाब आता है या कोई सज़ा मिलती है तो ऐसे मौके पर उन पर अफसोस नहीं करना चाहिए।